हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल अंकित टेक्निकल पॉइंट में। तो दोस्तों सीधा चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों के पास पहुँचती रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज है 5 फरवरी 2024, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे 5 फरवरी 2024 के ही होंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें वह कह रहा है हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए 2 फरवरी, ऑप्शन बी 4 फरवरी, ऑप्शन सी 3 फरवरी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 4 फरवरी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें वह कह रहा है हाल ही में बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए NCPCR के किस पोर्टल का अनावरण किया गया है। ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी ट्रैक चाइल्ड, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, मतलब घर और चाइल्ड, ये दोनों का किया गया है। तो सी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी सपोर्ट मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है हाल ही में किस देश ने भारत में 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। ठीक है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अमेरिका इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसमें वह कह रहा है हाल ही में जा ऋतु बाहरी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। ठीक है, जज ऋतु हैं जो, वो किस राज्य की पहली महिला न्यायाधीश हैं जो नियुक्त हुई हैं। ठीक है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड इज़ द राइट आंसर। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी, देहरादून। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, इसमें वो कह रहा है हाल ही में किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए पंडित राय बहाद, ऑप्शन बी ईश्वरी प्रसाद नम्बूदरी, ऑप्शन सी नित्य प्रसाद नम्बूदरी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ईश्वरी प्रसाद नम्बूदरी। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें वह कह रहा है हाल ही में किसने 9 इनक्रेडिबल ईयर्स हरियाणा गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किया है। ऑप्शन ए जगदीप धनखंड, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी अमित शाह, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जगदीश धनखंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें वह कह रहा है हाल ही में साउथ के किस
अभिनेता ने राजनीतिक पार्टी तमिझागा बेन्नी कजगम लॉन्च की है? ऑप्शन ए कमल हसन, ऑप्शन बी महेश बाबू, ऑप्शन सी थल्लापत्ती विजय, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी थल्लापत्ती विजय इज द आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें वह कह रहा है हाल ही में कहाँ माँ कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी असम इज द राइट आंसर। असम की राजधानी क्या हो जाएगी? दिसपुर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें वह कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोमंडल फर्टिलाइजर पर 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी या सी, दोनों मतलब सेम ही है, तो तमिलनाडु इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें वह कह रहा है हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शन ए 3,000 करोड़, ऑप्शन बी 3,500 करोड़, ऑप्शन सी 2,500 करोड़, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3,500 करोड़ या 3,500 करोड़। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते चलें ताकि और लोगों को भी सपोर्ट पहुंचता रहे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, इसकी तरफ चलते हैं। हाल ही में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 कहां शुरू हुआ है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए झारखंड इज द राइट आंसर। झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? रांची। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें वह कह रहा है हाल ही में किसे सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पवन कुमार, ऑप्शन बी प्रदीप श्रीवास्तव, ऑप्शन सी संजय जाजू, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संजय जाजू इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें वह कह रहा है हाल ही में किसे स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए एच आर खान, ऑप्शन बी अपूर्व चंद्रा, ऑप्शन सी स्वदेश मित्तल, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अपूर्व चंद्रा इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें वह कह रहा है हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय बेरुल अजंता महोत्सव शुरू किया गया है या किया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन सी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, और महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी, मुंबई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें वह कह रहा है हाल ही में जज प्रदीप कुमार को किस राज्य के उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी झारखंड, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी झारखंड इज द राइट आंसर, और झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी, रांची। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल दबाएं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों के पास पहुंचती रहे, और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं कल शाम 6 बजे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।